चेन्नई बस एक राजस्थान कपल को बेट। अरे यार टूटे मकान एक बार गिर गए। भाई मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, सिर्फ एक वीडियो राजस्थान को बिना रोस्ट करे निकलवा दो प्लीज भाई। स्टॉप राजस्थान अब्यूज। लोग गुजरात की लेते हैं। एग्जैक्टली ब्रो, राजस्थान को कितना जलाओगे तुम? राजस्थान ऑलरेडी जला हुआ है भाई। कुत्ते की औलाद तुम मर क्यों नहीं जाता? Billions of boobs are there in this world, but I still wanna touch yours. This movie banged by the way. Ayo, Disha part. Okay, I'm not even going to say that. Me to that Rajasthani school girl. Okay, shut. He's cultured for saying Disha Patani. I didn't even complete the name. I said Disha पट, उस पर रुक गया, उसके आगे कंप्लीट भी नहीं किया और तुम्हें पता चल गया। अदिति राव, ओके आई थिंक शी हैज अ हस्बैंड। आई टेक दैट बैक। दिशा पाटनी काइंड ऑफ मेड ऑनेस्टली। दिशा मेड ब्रो, शट द फक अप। हाउ द फक इज दिशा पाटनी मेड? एग्जैक्टली ब्रो, हाउ द फक इज दिशा पाटनी मेड? दिशा पाटनी ना, तुम लोग है ना पैदा ही अंधेड़ हुए हो, मैं कुछ नहीं दिखता। मी वॉचिंग दैट ओयो मैनेजर फ्रॉम होम आई यूज टू बुक माई रूम फॉर इज हैंगिंग विद माई फादर। ओके सो तुम में से जिन ढाई लोगों की गर्लफ्रेंड है उनको मैं एक टिप देता हूँ, नेवर बुक एन ओयो रूम, नेवर बुक अ होटल। अगर होटल पे कपल फ्रेंडली लिखा है तब भी होटल बुक मत करो। द बेस्ट आइडिया इज गो फॉर एन एयरबीएनबी। लिटरली ब्रो, कोई भी होस्ट कुछ भी नहीं कहता, कोई कुछ भी नहीं कहता। अब ये मत पूछना तुझे कैसे पता। एयरबीएनबी इज एक्चुअली अंडररेटेड। हाउ डू यू नो? एयरबीएनबी स्टंक्स। डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नो आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड राइट नाउ। कैप्सूल रूम में? ना, कैप्सूल रूम में मैंने कुछ नहीं किया भाई। कैप्सूल रूम मैं बैठ के खाने खा रहा था और क्रिकेट देख रहा था। लाइक यू कैन बेसिकली डू एनीथिंग हियर दैट यू कैन डू ऑन योर बेड व्हेन यू आर अलोन एंड नो वन इज वाचिंग। माय सोल इज इन सर्दी। मुंबई वालों को तो समझ में ही नहीं आएगा ये ब्रो, ये नॉर्थ इंडिया वालों के लिए है भाई। ये सही है, पूरी नॉर्थ इंडिया की मरी पड़ी है पूरी सर्दी की वजह से। और यार मुंबई का अपना अलग ही सीन चल रहा है 30-35 डिग्री पर। मुंबई में वेस्टर्न टॉयलेट की जगह है। दिल्ली पीपल कैन रिलेट। टिश्यू ओपी, दैट बी लाइक रेलवे ओपी। ओके शट द फक अप। हीटेड सीट, जापानीज चाहिए। मैं छोटे शहर का बच्चा हूँ, 15 साल की उम्र तक मेरे घर में वेस्टर्न टॉयलेट था तक नहीं। जब मम्मी को सरकारी नौकरी मिली तब जाके मेरा लोटे से जेट स्प्रे पर प्रमोशन हुआ है। प्रोग्रेस, शाउट आउट तेजस फॉर बिकमिंग अ मेंबर जॉइनिंग प्यार गैंग। मीम्स नहीं नाच के दिखा ब्रो, पबजी वाला वीडियो देख ले ब्रो। दैट्स नॉट दिल्ली, दिल्ली इज अ स्मॉल टाउन भाई। कौन से दिल्ली में रह रहा तू? सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है जनरेशन चेंज को देखते हुए कि ये ग्रोइंग मार्केट नहीं है। आई एम श्योर ओवरऑल डिक्लाइनिंग होगा। क्यों? पूजा तो हर कोई, मैं भी करता हूं, पर पूजा के वो जो स्टेप्स होते थे, फूल तुमने कभी खरीद के चढ़ाए हैं भगवान? भाई ये औरत पागल हो गई क्या? इंडिया में कह रही है पूजा ग्रोइंग मार्केट नहीं है। फूल तुमने कभी खरीद के चढ़ाए भगवान को? फिर अमन भाई इसी बात पे मैं बोट ईयरफोन्स लूंगा और जब 3 महीने बाद लेफ्ट वाले ईयरबड की मौत हो जाएगी तो वापस खरीदूंगा सिर्फ इसी डायलॉग के लिए। व्हाट काइंड ऑफ बबल डू यू हैव टू लिव इन टू थिंक दैट इंडिया में अब पूजा होना बंद हो गई? विनीता जी एक्चुअली वेंट टू डीपीएस आरके पुरम। जी हाँ, वही डीपीएस जहाँ पे टॉपर से ज्यादा एमएमएस निकलते हैं, वही डीपीएस जहाँ पे रिप्रोडक्शन का चैप्टर प्रैक्टिकल के द्वारा पढ़ाया जाता है। स्टॉकर, अरे भाई स्टॉकर नहीं ब्रो, सीईओ है ये शुगर कॉस्मेटिक्स की। तो लड़कियों को ये जवाब देना चाहिए कि हाँ मर्जी नहीं है क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ हम मर्जी नहीं है क्योंकि हम आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। What? हाँ मर्जी नहीं है क्योंकि हम आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तुम ऊंचाइयों को छू रहे हो बट आसमान की नहीं। नहीं है क्योंकि हम मर्दों के साथ कंधे मिलाकर चल रहे हैं, तो ऐसे में तो हमारी वर्जिन। वेट, सुन लिया मैंने। हाँ हम वर्जिन नहीं है क्योंकि हम मर्दों से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। हाँ हम वर्जिन नहीं है क्योंकि हम मर्दों के साथ कंधे मिलाकर चल रहे हैं। भाई फिर तो मुंबई लोकल में बैठ जाओ, मेरा तो बॉडी काउंट फिर 1000 से ऊपर है। टॉप 10 लॉजिक। लड़का और लड़की हम दोनों के लिए सेक्स एक हाइप है, आप समझिएगा। यूएस में बहुत लोग बहुत सेक्स करता है। यूएस का करेंसी का डॉलर का औकात कितना और इंडिया कितना है? उसका उससे क्या लेना देना। तो तुम्हें लगता है रुपीस का वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट इसलिए गिर रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, ऑयल प्राइसेस की वजह से, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट की वजह से? हट पागल, इंडिया का रुपए का वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट इसलिए गिर रहा है क्योंकि वी आर नॉट फकिंग, वी शुड बी फकिंग। अब भाई तुम खुद ही सोचो, अगर हम बिस्तर में डोमिनेट नहीं करेंगे तो रुपया कैसे डोमिनेट करेगा दुनिया पर? हैशटैग देगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। व्हाट क्लिप, 82 रुपए नीचे हैं हम लोग। लॉजिक लेफ्ट द चैट। 1.3 बिलियन तो ऐसे ही बन गए दिल्ली पीपल दीस डेज।
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਚੁੱਪਰ ਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋ ਟਰੂ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਬ੍ਰੋ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਸੇ ਗਿਆ ਜੈਪੁਰ ਮੇ ਉਤਰਾ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਡ੍ਰੌਪਡ ਮੋਰ ਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਮਾਈ ਡਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੇ 4 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਵੋ ਤੋ ਭਾਈ ਜੈਪੁਰ ਹੈ ਜੈਪੁਰ ਮੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਲੋਐਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਤ ਮੇ 3-4 ਡਿਗਰੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਬਟ ਲਾਈਕ ਐਟਲੀਸਟ ਦੁਪਹਿਰ ਮੇ ਤੋ ਧੂਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਮੇ ਤੋ 20-25 ਡਿਗਰੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਭੈਂਚੋ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਤੋ 15 ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਧੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੋ ਕਾ ਤੋ ਅਭੀ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਚੁਕਾ ਹੈ ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੁੰਬਾਈਕਰਸ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟਸ ਬੰਬੇ ਲੈਫਟ ਦ ਚੈਟ ਵੈਨ ਯੂ ਪੇ ਫਾਰ ਐਨ ਆਰ ਬਟ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ 58 ਮਿੰਟਸ ਲੈਫਟ ਤੋ ਰਿਲੇਟੇਬਲ तुम टीयर 1 सिटी में रहते हो या टीयर 2 सिटी में अब जैसे मैं हूँ छोटे शहर का तो प्रोबेबली मुझे तो 5 ओके आई एम नॉट इवन गोना कंटिन्यू लिंक सस अरे ये तो वही है ना जिसने अपने बाप की 13वीं पर ब्लॉग बनाया था Oscars are waiting. भाई तो फिर भी बाप की 13वीं पे ब्लॉग कौन बनाता है जिसने ये वाला नहीं देखा आई डोंट नो मेरे पास अभी भी है क्या मुझे सर्च करना पड़ेगा ये okay. थोड़ा सा अलग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है जो कि हम हर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी लाइक ना ब्रो नो वे शी इज फिल्मिंग दैट और मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया था ये व्हाट द फक इज दैट माचा की माचा इसने अगर पापा जिंदा होते तो ये सब देखकर मर जाते वेरी यम्मी मिलिए बाय द वे इट्स वेरी ओके वी आर नॉट इवन गोना वॉच हमने देख रखा है जैद की नजर कहां है अरे भाई तुम लोग क्यों हर चीज को इतना बिगाड़ देते हो मैंने कहीं देखा भी नहीं था मैं फूड की तरफ देख रहा हूं और तुम अलग ही अपना ज्ञान छोड़ रहे हो वीडियो प्रेजेंटेशन ऑफ हाउ अनएम्प्लॉयड शेमलेस मी आस्किंग फॉर फूड एट होम दिस एक्चुअली हिट्स बिकॉज मैं आखिरी 2-3 दिन से मम्मी के हाथ की बिरयानी खा रहा था अब वापस मुझे मुंबई का संडास खाना पड़ेगा ब्रो मैं 31 दिसंबर को मेरा न्यू ईयर ऐसे होता था स्टार प्लस पे कोई अवार्ड शो लगा के रजाई के अंदर बैठ के मम्मी 2-3 प्लेट मैगी लाती थी और वो बैठ के मैं अवार्ड शो देखता था दैट्स हाउ आई सेलिब्रेटेड माय न्यू ईयर इतना तगड़ा न्यू ईयर होता था वो सेम पीओवी यू एट रेड लाइट एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम कहीं चाल शराबी आहा कहीं आंख में जादू ओहो कहीं हसीनाए है ब्रो सिर्फ हसीनाए नहीं है आधे लौंडे भी है अब ये मत पूछना तुझे कैसे पता तुझे कैसे पता अरे यार जो भेजी थी भाई इंटरनेट ने मेरे ह्यूमर की इतनी गांड मार दी है मुझे इस पे हंसी आ रही है यार तुमने क्या भाई अंबानी जियो वापस ले लो तुम क्या है क्यों हंस रहा हूँ मैं इस पे लौट आ लीपा ब्रो तूने कर्सर कहाँ रखा अरे यार तुम सुअर की औलाद तुम चुप हो जाओ ना यार हर चीज में क्यों कुछ ना कुछ निकाल रहे हो शादी तो मैं उसी से करूंगी कि जिस दिन चाय में चीनी कम हो उस दिन का है आप भाई पूरा ऐसा चाय बनता है ब्रो एक तो ये टिकटॉकर्स रील्स वालों को ये हर डायलॉग पे पूरा परफॉर्मेंस क्यों देना होता है मुझे ये समझ में नहीं आता एवरेज राजस्थानी गर्ल एट एज 13 अरे यार तुम दिल्ली विंटर्स भी लाइक अरे ये तो बहुत पुराना है ये तो क्लासिक है लोगों से बात करते हैं कि इतनी ठंड में भी लोग यहाँ खड़े हैं ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है बावजूद इसका को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है चलिए ये शायद सुनते नहीं है अरे भाई वो सुनते हैं उसने सबसे सच बोला है वो सुनाते भी है एवरेज राजस्थानी इन पानी का लाइन ओके Why do some straight guys get so bloody pressed when a gay guy hits on them? हाँ भाई और डीप कर ले वॉइस भाई मैं घीली हो गई मैं तो प्रेग्नेंट हो गई और डीप कर ले वॉइस क्लिप When a gay guy hits on them. Bro speaks in unga bunga. Me thinking that I need to bath today because applying deodorant on the body is not working.
ब्रो मैं स्कूल में मैं सही बता रहा हूँ, 3-4 दिन बिना नहाए चल जाता था डिओड्रेंट के साथ। बेइज्जती तुम करना मत भाई, तुमने देखा है जयपुर में कितनी ठंड पड़ती है, 3-4 डिग्री चल जाता है टेम्परेचर। सिर्फ मुंह धो के फेस वॉश लगा के डिओड्रेंट मार के स्कूल में, दैट्स हाउ आई यूज टू रोल भाई, फुल बैचलर लाइफ। अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पे तो मैं नहा लेता हूँ बार बार। क्या कहते हैं उसको, गावे के साथ कह सकता हूँ क्या, दावे के साथ कह सकता हूँ। तुम में से 90% लोग जो देख रहे हैं वो नहीं नहाते, बस एक बाल्टी का मग्गा डाल लेंगे सर के ऊपर और बोलेंगे हाँ हमने शावर ले लिया। कैन यू शो योर आधार कार्ड फोटो? दिखाता ब्रो दिखाता, मीम्स के बाद दिखाता हूँ। की आदत छोड़ने का सब उठ मारने की आदत छोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है, मेरी स्ट्रीम्स देखना, दैट्स द सबसे आसान तरीका। No, अकेले में समय ना बिताएं और अश्लील वीडियो ना देखें और अपने फोन से VPN ऐप अनइंस्टॉल कर दें। विच IPL टीम आर यू सपोर्टिंग? भाई जब राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स में था तब मैं उसको सपोर्ट करता था, उसके बाद से चेन्नई सुपर किंग। राहुल द्रविड़ इज माई गोट, माई ऑल टाइम गोट। कॉल मी अनफैशन बट फॉर मी उफ तेरी अदा। आई मीन इट वॉज अ बैंगर। उफ तेरी अदा। क्या कह रहे भाई, इज दिस एक्चुअली ट्रू? उफ तेरी अदा और ब्लाइंडिंग लाइट्स, उफ उफ पोल कर भाई, सब लोग उफ तेरी अदा कह रहे हैं क्या, पोल कर। आई मीन इट बैंग्स दो, इट बैंग्स। दीपिका बैंग्स ब्रो, आई वुड लव टू बैंग। वेट व्हाट? ओ ओके। Ayo, अरे भाई, I mean it's Deepika bro, it's Deepika, come on. Deepika probably मेरा पहला crush था. Caught in 1080p. क्या था तुम्हारा पहला Bollywood crush? Mid. अरे यार तुम क्यों हर Bollywood की actress को क्यों बोलते हो? क्या ये emojis है ये? John Abraham, fair enough. Your bum. अच्छा भाई, ठीक है. Zaid Sayed, हाँ ठीक है. आजा भाई. राखी सावंत, लाना दीदी. दीपक कलाल. मैं बताता हूँ. I mean पहली थी श्रीदेवी. Wait. पहली थी दीपिका, उसके बाद दिशा पाटनी, उसके बाद अदिति राव, उसके बाद एक टाइम पर थी उस वाली मूवी में, थी ना जयपुर वाली मूवी में, शुद्ध देसी रोमांस में कौन थी वो? हाँ परिणीति चोपड़ा, और दूसरी वाली भी, हाँ वानी वानी लोड़ी। अरे पागल है क्या? गुलाबी सॉन्ग W, यस यस ब्रो, वो तो हमारे जयपुर का नेशनल एंथम है। अभी करंटली दिशा पाटनी है प्रॉब्ली। अरे क्या, मुझे तो उसका लास्ट नेम का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता, दिशा पाटनी है या दिशा पटानी है, बट मुझे उसको पटाना है। ओके भाई, क्या कर रहा भाई जैद? राकेश इस कासिल में जाने का सपना सपना ही रह गया। This show was goated show, yes. क्या मजा आता था यार इस show में, जितने भी show आते थे, ये कौन सा channel था यार? Pogo, yes Pogo. Bro सारे cartoon बढ़िया थे उसपे, ये cartoon नहीं है but जो भी cartoon भी आते थे वो भी सारे बढ़िया थे। Toonami, Javed Jafri commentary OP, yes. दोस्त मत, मेरे को नहीं चाहिए bro. MC Stan, मतलब fuck हो गए ले भाई, मैं full trust टूट गया मेरा इंसानों पे से। अस भाई अस। Last meme, but Bihar boy OP. WWW पूरा चैट W स्पैम कर रहा, वाह भाई, फॉरएवर लिव्स इन माइंड रेंट फ्री। आधार कार्ड फोटो जैद, अरे भाई डिटेल छुपा लेना। प्रिटी डिसेंट मग शॉट, स्टिल नॉट दैट बैड। चिकना मैरिज फोटो, अरे भाई यार तुम यार सुअर की औलाद, तुम गांड मराओ। स्मैश और पास, हार्ड स्मैश, अच्छा भाई ठीक है ठीक। कंगन नहीं दिख, अच्छा भाई पैन कार्ड पे भी यही है मेरा तो। लपड़ा जैद।